बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेम्परेट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू नेम इज क्लाइमेटिक रीजंस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। पेज ओपन, पेज नंबर सिक्स ऑफ योर सोशल स्टडी बुक। ओपन पेज नंबर सिक्स ऑफ योर सोशल स्टडी बुक। टॉपिक इज टेम्परेट डेजर्ट। स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 from line number 6, temperate desert, line number 6, page number 6, okay? Naturally, from naturally, the word naturally, okay? Let's start. All are present? Okay, let's start naturally. From the word naturally, they have small trees, especially acacia and cassia. Naturally, they have small trees. यहाँ पर कुदरती तौर पर naturally mean the word naturally mean कुदरती तौर पर. Okay, they have small trees. यहाँ पर छोटे दरख्त होते हैं. Specially खास तौर पर कौन से दरख्त? Acacia और cassia. Acacia कौन सी दरख्त है और cassia? अब मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ. Acacia mean जो कीकर के दरख्त है, ठीक है? आपको ये नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, यही एकेशिया की है, ठीक है? इनको बबूल भी कहा जाता है, कीकर का दरख्त या बबूल, ठीक है? इसमें आपको ये येलो येलो की वो फ्लावर्स नजर आ रही है, इसी किस्म की वो आपको नजर आएगी, ठीक है? तो ये एकेशिया है और केशिया आप देख ली नीचे, यही यही पिक्चर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे है ये केशिया है, ठीक है? केशिया असल में जो दालचीनी जो हम कहते हैं ना, जो मसालों में इस्तेमाल होते हैं, जो वही उससे हासिल की जाती है। आप उसे आप देख ली, यही इसी दरख्त से हासिल होता है, इससे ये दालचीनी हासिल की जाती है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, ठीक है? आपको भी नजर आ जाएगा स्क्रीन पर ये आपको इसी तरह, ठीक है? तो ये दालचीनी है जो इससे हम इसकी लकड़ी से ये हासिल करते हैं, ठीक है? केशिया और एकेशिया, ठीक है? तो ये स्मॉल प्लांट यहाँ पर इन्हीं टेम्परेट डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। अब पैराग्राफ की तरफ दोबारा आ जाइए। विद मैनी कोर्स प्लांट, कोर्स प्लांट मीन रब प्लांट्स, ठीक है? यहाँ पर कोर्स प्लांट होते जो रब प्लांट्स होते हैं, जो सख्त प्लांट्स भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है? एंड ग्रासेस और घास भी होती है। ट्रेडिशनली रिवायती तौर पर, ट्रेडिशनली मीन रिवायती तौर पर, दिस लैंड हैव बीन द रीजन ऑफ नोमैडिक पीपल। रिवायती तौर पर ये जमीन क्या है, ये हिता, ये इस स्थिति में कौन लोग रहते हैं? ये नोमैडिक लोगों का है। नोमैडिक मीन खानाबदोश, ठीक है? खानाबदोश लिखे। विद देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल, रेवर्ड होते हैं, हर्ड मीन रेवर्ड, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, ठीक है? उसके पास होते हैं ये लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो यही जमीन इन लोगों के यहाँ पर ये होते हैं, ये लोग नोमैडिक यहाँ पर पाए जाते हैं। टुडे विद मच इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन मीन अपाशी, फर्टिलाइजर मीन का, ठीक है? आजकल ज्यादा अपाशी और काद की वजह से मैनी आर ग्रोन रीजनेबल, यहाँ पर ज्यादा उगाए जाते हैं क्या? रीजनेबल क्रॉप्स, रीजनेबल क्रॉप्स, सहासी अच्छी क्रॉप्स यहाँ पर अब उगाई जा सकती है, ठीक है? रीजनेबल मीन मुनासिब फसलें यहाँ पर आप उग सकती है। किस वजह से? इन्हीं दो चीजों की वजह से, इरिगेशन की वजह से और फर्टिलाइजर। इरिगेशन क्या? जो पानी की जो जराए होती है, जिसको हम पानी पहुंचाते हैं खेतों तक, ठीक है? इरिगेशन सिस्टम अपाशी की जरिए। नेक्स्ट फर्टिलाइजर का, ठीक है? फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोना यूरिया वगैरह हम जमीन में डाल देते हैं, ये फर्टिलिटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर इस्तेमाल होती है यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए। तो इन्हीं फर्टिलाइजर की वजह से और इरीगेशन की वजह से यहाँ पर रीजनेबल क्रॉप आप उगाए जा सकते हैं, ठीक है? उग रहे हैं, ठीक है? उज्बेकिस्तान, वन ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। It is belong to which country? Central Asian country, ठीक है? Uzbekistan, the whole of which is temperate desert. ये ज्यादातर जो मानतर उस क्या है वहां पर, वो temperate desert है Uzbekistan, ठीक है? अब ये क्या है इसके बारे में ही बताया जाते, is the fifth largest cotton growing state in the world. ये line highlight करें, fifth largest cotton growing state, ठीक है? ये highlight करें book में, शाबाश। इज लार्जेस्ट कॉटन ग्रोविंग स्टेट, ये पांच नंबर पर है दुनिया में। मतलब अभी क्या है, अभी इसकी समझ
ले आप आसानी से कि उज़्बेकिस्तान जो कि होल लैंड जो इनका है वो टेम्परेट डेजर्ट है, लेकिन फिर भी उसकी कॉटन में जो नंबर है जो दुनिया में उगाई जाने वाली सबसे ज्यादा कॉटन वो नंबर पर वो उज़्बेकिस्तान है। क्यों? इन ही वजह से कि वहां पर इनको अब इरिगेशन की सिस्टम बहाल की गई है अच्छी तरीके से और मॉडर्न फर्टिलाइजर आ गई है, ठीक है, जदीद टेक्नोलॉजी जदीद साइंस रिसर्च की बहस पर। तो इन ही टेम्परेट डेजर्ट की बदौलत आज उज़्बेकिस्तान कॉटन यानी कपास में पांचवें नंबर पर है ज्यादा उगाने में, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रोइंग होती है क्रॉप कॉटन की। नेक्स्ट, although this has almost drained the Caspian Sea from which most of water has been taken. अब इनको drain, drain mean what? Drain मतलब क्या है? यहाँ पर draw out, empty slowly. अब ये खाली हो गए, इनको drain किया गया है, इनसे पानी अपाशी system निकाला गया है, सारा पानी Caspian Sea से निकाला गया है, ठीक है, तो इसी वजह से अभी ये खाली हो गए, इससे ज्यादातर पानी निकाल लिया गया है, कंप्लीटली ड्रा आउट किया गया है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर निकाल लेना निचोड़ना, ठीक है, कैस्पियन सी से ये पानी, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान नेचुरली फॉल टू दिस कैटेगरी, ज्यादातर हिस्से पाकिस्तान के नेचुरली यहाँ पर इसी कैटेगरी में कुदरती तौर पर इसी कैटेगरी में आते हैं, पाकिस्तान भी ज्यादातर यहाँ पर temperate deserts इसी एरिया में आते हैं, but irrigation from the rivers and tube wells, जो rivers दरियाए हैं tube wells हैं, इसी की वजह से है, turn them into a reasonable farmland. Reasonable mean मुनासिब, farmland mean जो cultivation की काबिल हो, वो land जहाँ पर काश्तकारी की जा सकती हो, ठीक है, तो इसको हम farmland, तो इन्हीं को tube well और river के जरिए इन्हीं farmlands को क्या किया गया है, काश के काबिल बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ निकाल ली, शाबाश। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कौन सी क्लाइमेट है, कौन सी अब हवाएं होते हैं ये, ठीक है, इस कैटेगरी में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ये क्लाइमेट जो होते है ये कौन सी है, यहाँ पर हमारे साथ मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, तो उसके जो शोर्स है, जो सी जो यहाँ पर मेडिटेरेनियन शोर्स है, जो कोस्टल एरिया है, इनके इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज आ रही हैं, वो वहां का क्लाइमेट क्या कहलाएगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। आप मैप देख सकते हैं, अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, पिक्चर स्क्रीन पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत फेवरेबल है, ठीक है, बहुत अहम है, ठीक है, यहाँ पर फेवर करेगा किस तरह क्लाइमेट है, विद ये आप मैप देख ली, मेडिटेरेनियन सी आपको नजर आ रहा है, जो ब्लू कलर के हैं ये सारे वाटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके इर्द गिर्द कौन सी कंट्रीज आ रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लीबिया भी है इसमें, ठीक है, ट्यूनिसिया है, सीरिया है, टर्की है, लेबनान है, पलस्टाइन है, ठीक है, ये सारे एरिया आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन सी अल्जीरिया भी इसमें है, ठीक है, ये इन्हीं रिच एनवायरनमेंट को इसी कोस्टल एरिया में आते हैं, शोर्स में आते हैं, इन्हीं साहिल पर है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे, ठीक है, लेबिया है, ट्यूनिसिया है, अल्जीरिया है, ठीक है, ये सारी कंट्री, पलस्टाइन है, सीरिया है, ये सारी कंट्री यही एनवायरनमेंट इंजॉय करती है, ठीक है, यही क्लाइमेट इंजॉय करती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज वेरी फेवरेबल क्लाइमेट, ये बहुत मुनासिब या मुफीद, फेवरेबल मीन मुनासिब या मुफीद या अच्छा क्लाइमेट है, विद माइन माइन मीन व्हाट, मोतदिल, ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मोतदिल रहता है, वेट मीन थर होता है, किस मौसम में, विंटर में, and fairly warm और हासा अच्छा गर्म होता है, कब, dry summer में, ठीक है, गर्मियों में वो खुश्क होता है वहां का क्लाइमेट। unfortunately बदकिस्मती से, unfortunately mean बदकिस्मती से, the Mediterranean climate is not very widespread. widespread mean वसी पहला, ये वसी नहीं पहला हुआ है, widespread नहीं है, ठीक है, ज्यादा कंट्री में नहीं फैला हुआ है, बल्कि ये क्या है,
बट इट फॉर्म, ये बताता है क्या, ए नैरो बेल्ट, बेल्ट मीन एक पट्टी, एक नैरो सी तन सी पट्टी बनाती है, ठीक है, नैरो बेल्ट अराउंड द शोर्स, शोर्स मीन साहिल, किनारा, इसी के किनारे, ठीक है, एक बेल्ट है ये, कंट्री इसमें पाई जाती है कौन सी, ऑफ मेडिटेरेनियन सी, द कोस्टल एरिया, साहली इलाके कौन कौन से है, कौन कौन सी कंट्री, मोरक्को है इसमें, अल्जीरिया है, ट्यूनिसिया है, सीरिया है, टर्की है, एंड लिबनान, लिबनान भी है इसमें, ठीक है, एंजॉय दिस क्लाइमेट, इसी क्लाइमेट को एंजॉय करती है। सॉरी, इससे पहले मैंने आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में बताया था, तो मैं वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में पैलेस्टाइन नहीं आ रहा है, ठीक है, पैलेस्टाइन फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, टेम्परेट ग्रास लैंड में आ रहा है, ठीक है, कौन सी में आ रहे हैं, टेम्परेट ग्रास लैंड में, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, क्लियर। बाकी ये सारी कंट्री आप ये हाईलाइट करिए, यहाँ पर आपके बुक में है कौन कौन से है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनिसिया है, सीरिया है, टर्की है, और लिबनान है, ठीक है, ये इन ही रिच एनवायरमेंट क्लाइमेट को एंजॉय करती है। दे प्रोड्यूस, यहाँ पर क्या पर पैदावार क्या है, यहाँ पर क्या पैदा होती है, दे प्रोड्यूस ग्रेप्स, ग्रेप्स है अंगूर जो होते हैं, सिट्रस, सिट्रस क्या है, एनी ट्री ऑफ सिट्रस फैमिली, इसको हम यानी लेमन है, ऑरेंज है, एक्सेट्रा, इसको हम सिट्रस, ठीक है, इन्हीं फैमिली में जो लेमन है या ऑरेंज है सारे सिट्रस में आते हैं, एंड मेनी अदर फ्रूट्स, ऑलिव्स, टोबैको, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। अब इसमें क्या है, फ्रूट्स भी हैं, वेल ऑलिव्स मीन जो जैतून की दरख्त होती है, ठीक है, जिससे जैतून तेल निकाला जाता है, टोबैको, तंबाकू है, वेजिटेबल सब्जियां है, फ्लावर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस अमंग द हाईएस्ट प्राइज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और इसी में अमंग इसी में क्या है, हाईएस्ट प्राइस की बहुत ज्यादा कीमत है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इन्ही जरिए चीजों की पैदावार की, ठीक है, जो मैंने नाम बताए, ग्रेप्स है, सिट्रस है, फ्रूट्स में और जो फ्रूट्स है या ऑलिव्स है, टोबैको है, वेजिटेबल है, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो इसकी कीमत हाई है, हाईएस्ट प्राइस है। मैनी ऑफ दीज स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर आल्सो ग्रोन टू रिच मार्केट्स ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, इन्हीं ही में से स्पेशली जो यहाँ की सब्जियां है, इसी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में जो कंट्रीज है, ठीक है, इसी में जो है वो जो सब्जियां है, जो फूल है, ठीक है, उसमें ये हमारी रिच मार्केट जो नॉर्दर्न यूरोप है, इन्हीं को सप्लाई किया जाता है, ठीक है, वहां पर उनको दिए जाते हैं इन्हीं मार्केट को। नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 7। नेक्स्ट पेज, ऑल्दो इट इज नॉट अ ट्रू मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, अगर ये ट्रू मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं है, कौन सी जगह आपको कह रही है, अभी ये कोमा के बाद आपको इस जुमले की वजाहत की जाती है कि अगर ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं है, कौन सी, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कहते हैं, ठीक है, यहाँ क्या है, और बलोचिस्तान ग्रोस सिमिलर क्रॉप, अगर ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं है, इस रीजन में नहीं आ रहा है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर उसी किस्म के जो फसलें, जो क्रॉप्स हैं, वो यहाँ पर भी उगती है, ठीक है, हमारे बलोचिस्तान में भी उसी किस्म की, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न यूरोप में उनको फिर क्या किया जाए, उसी मार्केट में सप्लाई किया जाता है, तो उसी तरह हमारे बलोचिस्तान में भी यहाँ की क्रॉप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेट डेजर्ट, टेम्परेट ग्रास लैंड्स हैं, टेम्परेट मोतदिल, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेट ग्रास लैंड्स में कौन से एरिया किस तरह होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। These are areas where it is reasonably warm, but with fairly low rainfall. ये कौन सी एरिया होते हैं? Temperate grassland कौन सी एरिया होती है? जहाँ पर reasonable mean मुनासिब, यानी वो warm होती है, हाँ सी अच्छी गर्म होती है temperate grassland, ठीक है? But with fairly low rainfall, लेकिन यहाँ पर हाँ सी अच्छी यानी कम rainfall होती है, बारिशें कम होती है। कितनी बारिश रिकॉर्ड होती है यहाँ पर? अबाउट 400 मिलीमीटर ईयर साल में, ये हाईलाइट करें, अबाउट 400 मिलीमीटर ईयर, एक्सक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर कितनी बारिश रिकॉर्ड होती है पर एक साल में, तो वो 400 है।
The natural vegetation is long grass. यहाँ की जो कुदरती नबातात है उसमें क्या है? Long grass, लंबे घास से, ठीक है. Next, with small shrubs. Shrubs mean झाड़ियाँ, जो small plants होते हैं, ठीक है, unwanted, ठीक है, small shrubs and other plants और दूसरे पौधे भी होते हैं, ठीक है. Clone mean कश्यप, क्लोन मीन जो इनको सप्लाई किया जाते हैं, वहां पर जाते हैं, ठीक है, उसी मार्केट में. With small shrubs and other plants, यहाँ पर small shrubs और other plants पौधे होते हैं, but in the most of the Muslim world, these have been clear for general farming. अब यहाँ पर जो small shrubs और plants होते हैं, अब इनको ज्यादातर Muslim दुनिया में जो Muslim ममालिक है, जो Muslim world है, इसको clear किया गया है. इन्हीं plants को अब clear किया गया है. For which purposes? कौन सी purposes? For general farming. General farming जो खेतीबाड़ी के लिए, farming के लिए, काश्तकारी के लिए, उसकी के लिए क्लियर किया कि यहाँ पर काश्तकारी की जा सकती है, farming की जा सकती है, खेतीबाड़ी की जा सकती है. Cereal crops. Cereal crops हम किसे कहते हैं? जो grain, मुख्तलिफ किस्म के grains होते हैं ना, जिस तरह wheat होती है, barley होती है, मुख्तलिफ किस्म की हमारी जो grains की होती है, तो वो हमारी cereal क्रॉप्स होती है, ठीक है. अनाज जो होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अनाज के फसलें जो होती है, सीरियल क्रॉप्स मीन अनाज के फसलें, ठीक है. सच एज वीट, वाले वीट और वाले मीन वीट मीन गंदम और जो, ठीक है, आर ग्रोन यहाँ पर उगते हैं, बट विद इरिगेशन और अब इरिगेशन अ वाइड वेराइटी बट विद इरिगेशन अ वाइड वेराइटी ऑफ अदर प्लांट्स एंड फ्रूट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बल्कि इरिगेशन अ पाशी की वजह से क्या अब पाशी की वजह से अब क्या किया गया वाइड वसी वाइड मीन वसी वैरायटी मीन साम के दूसरे प्लांट्स भी और पल और पौधे यहां पर प्रोड्यूस की जा सकते हैं पैदा की जा सकते हैं उगाए जा सकते हैं ठीक है. दिस क्लाइमेटिक रीजन इज एक्सीलेंट फॉर रेयरिंग एनिमल्स स्पेशली लाइव स्टॉक. अब इसी किस्म के जो क्लाइमेटिक रीजन है एक्सीलेंट मीन शानदार यानी अच्छा है किसके लिए मुनासिब है किस चीज के लिए फॉर रेयरिंग रेयरिंग मीन पालना ठीक है रेयरिंग ऑफ एनिमल एनिमल्स के पाले के लिए कि यहाँ पर एनिमल्स पर के रेयरिंग के लिए ये क्लाइमेट अच्छी है क्योंकि ग्रास से ठीक है मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर इनको ये सारी कुछ मिल सकती है स्पेशली लाइव स्टॉक खास तौर पर लाइव स्टॉक जो मवेशी है जो लाइव स्टॉक है उसी के लिए. लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 7 In the Muslim world, Turkey, Syria, Lebanon, Palestine, and parts of Jordan and Iraq are naturally temperate grassland. Muslim dunya mein Turkey hai, Syria, Sham jo hai, Lebanon hai, Palestine hai, jo Palestine hai, parts of Jordan hai, Iraq, naturally kudrati taur par temperate grassland hai. Isi temperate grassland mein yahi countries fall karti hai. सीरियल क्रॉप्स की मीनिंग उम्र ये है कि जो ग्रेन्स होती है मुख्तलिफ किस्म की ग्रेन्स जो फसलें जो ग्रेन्स देती है जो दाने देती है ना उसको हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं जैसे कि वीट है जो गंदम है तो वो ग्रेन की शिकल में होती है ठीक है दानों की शिकल में होती है अनाज किस्म की होती है ठीक है क्लियर. तुर्की है सीरिया है लिबनान पैलेस्टाइन जॉर्डन इराक ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड में आते हैं. ऑल्दो द सोइल इज मोस्ट ऑफ द तुर्की इज नॉट एक्सेप्शनली फर्टाइल अगरचे जो सोइल मीन जो जमीन जो मिट्टी है यहाँ जो सोइल है इज द मोस्ट ऑफ तुर्की जो तुर्की का ज्यादातर जो जमीन है लैंड जो है नॉट एक्सेप्शनली फर्टाइल यहाँ पर हद से ज्यादा एक्सेप्शनली मीन हद से ज्यादा या गैर मामूल तौर पर ठीक है तो हद से ज्यादा वो फर्टाइल मीन जरहिस तो वो जरहिस नहीं है ज्यादा जरहिस नहीं है जो तुर्की का इलाका है ठीक है. इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड ये दुनिया के उन्हीं चंद ममालिक में से चंद ही कंट्रीज में है दुनिया में विच कैन प्रोड्यूस इन अ फूड ऑफ ऑल काइंड्स टू ईट. ये यहाँ पर क्या होती है विच कैन प्रोड्यूस जो पैदा की जाती है उगाई जा सकते हैं इन अ फूड काफी खुराक फूड ऑफ ऑल काइंड तमाम अकसाम की खुराक टू पीट खिलाए जा सकते हैं ठीक है किसको
all of its people, tamam people. So, tamam logon ko phir ye khilaye jate, inko feed kiya ja sakta hai without imports, bagair imports ki. Ab imports kya hai? Imports matlab ek exports lafz aa rahe hai aur ek imports aa raha hai, theek hai? एक्सपोर्ट्स हम किसे कहते हैं, जब एक कंट्री के पास जरूरत से ज्यादा चीजें होती है बेटा, तो वो फिर वही चीजें दूसरी कंट्री को बेचते हैं और उन्हीं से वो मुनाफा हासिल कर लेते हैं, ठीक है? जिस कंट्री में जिस चीज की कमी होती है तो वो उन्हीं को बेचते और उनके साथ ये वापर मकदार में यानी अपनी लोगों की जरूरियात पूरी कर रहा है तो फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट्स क्या होती है? इम्पोर्ट्स वो चीजें होती है जब आपकी कंट्री के साथ वो चीज नहीं होती, जब आपकी कंट्री को वो जरूरत होती है तो आप एक ऐसी कंट्री से रब्ता कर लेते हैं जिसके साथ ये वापर मकदार में मौजूद है, तो फिर उसे हम दरामद कर लेते हैं, ठीक है? उन ही कंट्री से, तो इनको इम्पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है? तो इम्पोर्ट्स की शिकल में वो हमें हमारे पैसे वो बाहर ममालिक में फ्लो कर जाते हैं, ठीक है? तो एक कंट्री के बैलेंसिंग के लिए सिक्स क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि उसके बैलेंसिंग के लिए क्या जरूरी है कि एक कंट्री की इम्पोर्ट ज्यादा हो इम्पोर्ट से, तो वहां पर उसकी बैलेंस पर क्या होगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा, ठीक है? तो बगैर इम्पोर्ट्स के वो सारे लोगों को देते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर खुद ही ये पाए जाते हैं। अब पिक्चर में आप देख सकते हैं फार्मर हैं, तुर्की प्लेन्स में जो मैदानी इलाकों में वो क्या कहते हैं, फार्मर्स अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं ग्रास लैंड पर, ठीक है? आपको नजर आ रही इट इज इनफ फॉर टुडे, ओके? आज ही के लिए इतना ही काफी था, होमवर्क अपने साथ नोट कर ले। आप होमवर्क में क्या करेंगे, मेडिटेरियन सी के जो मैप है मैंने जो आपको दिखाया था, या आपको नहीं है तो आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वही मैप की आपने जो कंट्री है उसमें कौन सी कंट्री है, मोरक्को जो है, ट्यूनिसिया है, सीरिया है, टर्की, लेबनान, उसी की लोकेशन करनी है, ठीक है? थैंक यू।